आप देख रहे हैं जी राजस्थान, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, और खबर है गर्मी की, क्योंकि प्रदेश में हाल बेहाल है। प्रदेश में गर्मी का और हीट वेव का दौर जारी है। नौतपा का दिख रहा है असर, लगातार तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दे दी है कि प्रदेश का अधिकांश जिलों में चेतावनी दी गई है कि 20 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल राहत नहीं मिलने के संकेत दिए हैं। हीट वेव, लू से आमजन परेशान है, हालत खस्ता है। ऐसे में हर कोई गर्मी से बचने की जुगत लगा रहा है। बात करें अगर फलौदी बाड़मेर की, तो यहां पर तापमान 49 डिग्री की से अधिक हो गया है। फलौदी का तापमान जो लगातार पिछले एक दो दिनों से 50, 51, 52 तक पहुंचा था, आज 49.4 डिग्री है। बाड़मेर का अधिकतम तापमान 49.3 डिग्री है। करौली, फतेहपुर, धौलपुर, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, पिलानी का अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ज्यादा है। तो वहीं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अंता, बारा का अधिकतम तापमान 47 डिग्री से भी ज्यादा है। अलवर, अजमेर, जयपुर, संगरिया, जालोर की अगर बात करें तो यहां 46 डिग्री से ज्यादा का तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार मौसम चेतावनी भी दे रहा है अपने कि यहां पर मौसम अब है लगातार बढ़ रहा, और ऐसे में 20 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। रेड अलर्ट यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी जहां पड़ती है उसी के बाद रेड अलर्ट घोषित किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि लगातार जो तापमान है वो 50 तक पहुंच रहा है, कभी 49 है तो कभी 52 है। तो ऐसे में जो गर्मी है वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। सुलगती हुई जो धूप की किरणें हैं वो जब पड़ती है तब और दिक्कत होती है। ऐसे में लोग परेशान हैं, इस चिलचिलाती धूप में बाहर जाने को मजबूर हैं। जिसका काम है, जिसका दफ्तर है, वो बाहर जाए, लेकिन बाहर जाए कैसे? मेरे सहयोगी अनूप शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, लगातार गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में रेड अलर्ट हर जगह जारी कर दिया गया है। क्या तापमान में कहां कहां वृद्धि हुई है और ये राहत मिलती हुई कब लोगों को नजर आएगी? यहाँ बिल्कुल आसमान है वो इस समय सूरज उगलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले लंबे समय से प्रदेश के अंदर भीषण गर्मी का दौर है वो लगातार जारी है। आज के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। कम से कम 22 जिलों के अंदर रेड अलर्ट है, और इसी के साथ ही 7-8 जिलों के अंदर की अगर बात की जाए तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट है। कुछ जिलों के अंदर येलो अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी करा है। मात्र 2 या 3 जिले ही ऐसे हैं जहां पर कोई भी अलर्ट जारी नहीं है। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आज 2 से 3 डिग्री तापमान के अंदर और अधिक वृद्धि होगी, जहां एक और फलौदी और बाड़मेर का तापमान देश के अंदर रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं जैसलमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, यहाँ सभी जगह तापमान के अंदर वृद्धि साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कल के अगर तापमान की बात की जाए तो जयपुर के अंदर 0.8 डिग्री की यहाँ पर वृद्धि साफ तौर पर देखने को मिली। और जहां तक रात की बात है तो आने वाले कुछ समय के अंदर रात के बाद जो बादल हैं, जो रात के छींटे हैं, वो यहां पर बरसने वाले नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि जून के प्रथम सप्ताह के अंदर मौसम है वो उसके अंदर कुछ बदलाव होगा, जिससे कि आमजन को राहत मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है, और क्योंकि नौतपा जो कि 9 दिन तक रहता है, ऐसे में भीषण गर्मी पड़ती है, यानी कि पारा हाई रहता है, और आने वाले समय में ये गर्मी और बढ़ सकती है। तो आधे से ज्यादा भारत भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। सोमवार को नई दिल्ली के मंगशपुर इलाके में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद तापमान 50 डिग्री तक जाने का अनुमान जताया गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को 30 मई के बाद ही भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में भीषण लू चल रही है और ये अगले 3 दिनों तक जारी रह सकती है, लेकिन 30 मई से इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्ब आ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्ब और अरब सागर से नमी आने की वजह से देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि ये राहत अस्थायी होगी, क्योंकि जून में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत भारत के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। जून में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से ज्यादा लू चल सकती है। वहीं मई में राजस्थान और गुजरात में 9 से 12 दिन तक लू चली और तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सोमवार को नई दिल्ली के मंगशपुर इलाके में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।